नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा 27 फरवरी से। पंचायत और ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इतने प्रतिशत बच्चों की विशेष पढ़ाई पर कोरोना ने लगाई ब्रेक। अब निजी एम्बुलेंस में भी होंगे प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में हो गया डील। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा 27 फरवरी से। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बिहार में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत ही 27 फरवरी से इसे समूचे बिहार में शुरू किया जाएगा। हालांकि पहले 23 जनवरी 2022 निर्धारित थी, जिसे कोरोना की वजह से बढ़ाकर अब 27 फरवरी 2022 कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से केंद्र सरकार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि अभी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को चलाना जोखिम भरा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पड़ोसी देश में पोलियो वायरस का मौजूदा होना भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि भारत में भी इसके तेजी से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो 27 फरवरी से शुरू होने वाले इस अभियान को महाशिवरात्रि पर्व पर सार्वजनिक अवकाश को देखते हुए आवश्यकता अनुसार एक या दो दिन विस्तार किया जा सकता है। पहचान में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता, राजकमल का आदि कविता संग्रह, एकटा चंपाकली, एकटा विषधर कहानी संग्रह और आदि कथा, फूल पत्थर और आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास है। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार के मुरलीगंज के समीपवर्ती गांव रामपुर हवेली में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मनिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। राजकमल ने नवादा उच्च विद्यालय बिहार से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, तदुपरांत पटना के बीएन कॉलेज के इंटरमीडिएट में उन्होंने दाखिला लिया। वहीं वो बीएन कॉलेज के छात्रावास में कुछ दिन रहे, जहां वो साहित्य और चित्रकला की तरफ उन्मुख हुए थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रोन कैमरे से होगी ट्रेनों और पटरियों की निगरानी। गणतंत्र दिवस में आने में बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तो तेज हैं ही, साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह और माकपा माओवादी संगठन के प्रतिरोध दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन और जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर रेल और जिला पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि गणतंत्र दिवस को लेकर जोन के सभी स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा विशेष निगरानी बरती जा रही है, जिसके बाद ही अब स्टेशनों, ट्रेनों, ट्रकों और विभिन्न रेलखंडों पर चल रही रेलवे परियोजनाओं की निगरानी ड्रोन से करने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले ही समय रहते कार्रवाई की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने निकाली रिक्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर के कुल मिलाकर 19 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, संचार, दूरसंचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में बीई, बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 27 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bail-india.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली और स्मारक की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र को दी अंतिम मोहलत। बीते कई दिनों से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली और स्मारकों की दुर्दशा की चर्चा पटना हाईकोर्ट में हो रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट भी बार बार स्मारक और जन्मस्थली की दुर्दशा को लेकर केंद्र से जवाब मांग चुकी है, लेकिन इसको लेकर केंद्र की तरफ से अब तक कोई खास पहल नहीं की गई है। जिसके बाद ही अब पटना हाईकोर्ट ने विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता विकास कुमार की जनहित याचिका का सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य सभी संबंधित पक्षों को अंतिम मोहलत देते हुए 29 जनवरी 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके पहले कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर किया गया था। कमाई करने वाले 12 पदाधिकारियों पर ईओयू की कार्रवाई। सरकार के नाक के नीचे कई सरकारी कर्मचारियों ने कैसे धन कुबेर बनने का काम किया है, इसकी जानकारी आपको भी बीते कई दिनों से मीडिया में आ रही खबरों को देखकर लग ही गया होगा। वहीं कई ऐसे भी नाम सामने आए हैं जिन्होंने बालू के अवैध खनन में खूब कमाई की है, जिसके बाद ही अब बालू के अवैध खनन से काली कमाई करने वाले 12 पदाधिकारियों पर ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने 2021 में सख्त कार्रवाई की है। इन पदाधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई। अवैध बालू मामले में विभिन्न जिलों में 5 महत्वपूर्ण मामलों का अनुसंधान कराया जा रहा है। 15 भ्रष्ट लोक सेवकों पर भी आय से अधिक संपत्ति में कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें अधिकांश बालू के अवैध खनन में शामिल लोग हैं। बिहार में
कोविड 19 के 3000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3003 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 19578 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 59, अरवल में 26, औरंगाबाद में 26, बांका में 103, बेगूसराय में 294, भागलपुर में 80, भोजपुर में 64, बक्सर में 46, दरभंगा में 63, ईस्ट चंपारण में 63, गया में 33, गोपालगंज में 50, जमुई में 42, जहानाबाद में 6, कैमूर में 8, कटिहार में 57, खगड़िया में 15, किशनगंज में 35, लखीसराय में 7, मधेपुरा में 148, मधुबनी में 51, मुंगेर में 99, मुजफ्फरपुर में 129, नालंदा में 37, नवादा में 24, पटना में 544, पूर्णिया में 115, रोहतास में 98, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 213, सारण में 113, शेखपुरा में 9, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 51, सिवान में 48, सुपौल में 21, वैशाली में 76, वेस्ट चंपारण में 81 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए 28 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 151,121 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान कुल मिलाकर 6190 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पुलिस की तरह स्मार्ट बनेंगे होमगार्ड और अग्निशमन के जवान। बिहार के होमगार्ड और अग्निशमन के जवान बिहार पुलिस की तरह स्मार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार के सभी होमगार्ड और अग्निशमन के जवान की ट्रेनिंग सेना के रिटायर्ड अधिकारी करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की महत्वपूर्ण जवाबदेही होमगार्ड के जवान ही निभाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग देकर स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार में पहली बार होमगार्ड जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए सेना के रिटायर्ड 20 सूबेदार और हवलदार की बहाली की जा रही है। आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए इनको बिहार के सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर तैनात किया जाएगा। वहीं वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में 2300 फायरमैन की बहाली की तैयारी चल रही है, साथ ही करीब 550 वैतनिक होमगार्ड के जवानों की बहाली होनी है। अभी हाल ही में होमगार्ड के 60 चालक सिपाही की भर्ती की गई है, जिन्हें जल्द ही काम पर लगा दिया जाएगा। अब निजी एम्बुलेंस में भी होंगे प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ। बिहार में अब निजी एम्बुलेंस में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती होने वाली है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरवरी 2022 से वैसे एम्बुलेंस जो पैरामेडिकल स्टाफ के बिना चलाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब साफ है कि बिहार में चल रहे सभी निजी एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ आपातकालीन सुविधा रखनी होगी। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। आपातकालीन नंबर से जुड़ने के बाद सभी निजी एम्बुलेंस का राज्य स्तर पर डेटाबेस बनेगा, जो हर जिले में स्वास्थ्य कार्यालय के पास रहेगा। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में हो गया डील। पंचायत चुनाव के बाद अब बिहार में जल्द ही एमएलसी चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं जारी किया गया, लेकिन बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जरूर अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही चुनाव को लेकर एनडीए के बीच में सीटों को लेकर डील फाइनल हो गई है, जिसके तहत बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर मुहर लग गई है। भाजपा ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने इसकी घोषणा की, हालांकि इस घोषणा पर जदयू की तरफ से पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। साइबर अपराधियों की संपत्ति की जानकारी मिलेगी आयकर और ईडी को। बिहार में साइबर अपराध के मामले में बीते कुछ समय से बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसको रोकना विभाग के लिए भी अब चुनौती बन गई है, जिस पर यह पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट का मानना है कि साइबर फ्रॉड में सिम कार्ड की भूमिका बेहद ही अहम होती है। ऐसे में अब फर्जी कागजात पर मोबाइल सिम लेने वालों पर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने शिव कुमार की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि साइबर अपराधियों की संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग और ईडी को दे और मोबाइल कंपनियों को भी तुरंत ही जांच का आदेश दिया जाए। सकती है विधान परिषद सदस्यों की संख्या। बिहार में जल्द ही विधान परिषद चुनाव का आयोजन होने वाला है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जल्द ही विधान परिषद सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अगर सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार पहल करेगी और तय प्रावधानों के अनुरूप सीटों को बढ़ाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद में अभी कुल 75 सदस्य हैं, पहले ये 96 हुआ करते थे, लेकिन जब बिहार का बंटवारा हुआ और बिहार का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड का गठन हुआ तो सदस्य संख्या घटकर 75 हो गए। वहीं बिहार पुनर्गठन विधेयक के तहत बिहार विधान परिषद की मौजूदा संख्या का निर्धारण किया गया है। ऐसे में उक्त विधेयक में संशोधन कर इसे राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कराकर दोनों सदनों से पारित कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली। बिहार के इन इलाकों में आज बारिश और ओलावृष्टि की है संभावना। बिहार में जारी ठंड के बीच आज बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल और दक्षिण मध्य भाग के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय आदि भाग में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। आज भी राज्य के
कई हिस्सों में मौसम बेहद खराब रहेगा। 23 जनवरी को प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व के अलग अलग भाग में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विज्ञानी की माने तो 25 जनवरी से मौसम साफ होने के बाद भी प्रदेश में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। 90% बच्चों की विशेष पढ़ाई पर कोरोना ने लगाई ब्रेक। कोरोना काल में बिहार के छात्रों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि 8 से 14 साल के लगभग 30% आउट ऑफ स्कूल बच्चे बिना विशेष सेक्शन और ट्रेनिंग के रह गए हैं। साल 2021-22 की बात करें तो इस शैक्षणिक सत्र में 2,94,000 से अधिक बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में चिन्हित किए गए थे। इनमें से केवल 2,07,699 बच्चे ही शिक्षा विभाग के विशेष सेक्शन अभियान का फायदा उठाने में कामयाब हो पाए। बाकी के बच्चे कोविड की तीसरी लहर के चलते विशेष कक्षाओं की वजह से वंचित रह गए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2021-22 में इन बच्चों के इनके गांव या घर के आसपास के स्कूल में इनका नामांकन कराया गया था। हालांकि वर्तमान समय में प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस दिशा में बड़ी तैयारी की है, लेकिन कोविड ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। बैंक अधिकारियों को फिर बहाल करने जा रही है बिहार सरकार। रिटायर्ड बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार जल्द ही रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को फिर से बहाल करने का फैसला ले चुकी है। फिलहाल बैंकों के रिटायर्ड अधिकारियों के लिए निदेशालय में 3 पद सृजित किए गए हैं, एक सामान्य, एक अत्यंत पिछड़ा और एक महिला के लिए है। वहीं अब इन्हें नवगठित संस्थिक वित्त निदेशालय में रखा जाएगा। निदेशालय का गठन जून 2019 में ही हो गया था। बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर अब तक किसी की बहाली नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार अपने किसी निदेशालय में ऐसा प्रयोग पहली बार करने जा रही है। हालांकि ध्यान रहे कि ये बहाली उन्हीं की होगी जिनकी 1 जनवरी 2022 तक उम्र 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार पहली बहाली साल भर के लिए होगी। स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की हुई शुरुआत। बीते दिन से जदयू ने अपने स्वैच्छिक सहयोग संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय से की। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल ही जुलाई महीने में होने वाली थी, लेकिन बाढ़ के कारण इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। फिर उपचुनाव के बाद अब जाकर फिर से इसे शुरू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि जैसा कि अब इस अभियान की शुरुआत हो गई है, ऐसे में अब पूरे बिहार में यह अभियान चलेगा और पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश होगी। इसको लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम लोगों की तैयारी 2024 और 2025 के साथ संगठन के विस्तार को लेकर हो रही है। स्वैच्छिक संग्रह अभियान में सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, जिला संग्रह प्रभारी, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद और पार्टी के सभी नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत और ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव का समापन हुआ है। ऐसे में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के हाल में चुने गए 2.25 लाख के करीब जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग की तरफ से तकरीबन 400 की संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपने की योजना बनाई गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की माने तो जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुख को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग की योजना है कि अगले 15 फरवरी से इन सभी जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाए। पंचायती राज विभाग फिलहाल कोरोना संक्रमण के थमने का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग दूसरे जनप्रतिनिधियों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने की भी योजना बना रहा है। यूपी में भाजपा से नहीं हुआ गठबंधन, जदयू ने जारी की अपनी पहली सूची। अगले महीने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसमें ही बिहार के भी कई राजनीतिक दल हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें एक नाम जदयू का भी है। हालांकि अब तक उम्मीद थी कि बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी जदयू भाजपा के साथ मैदान में उतरने वाली है, लेकिन आरसीपी सिंह की रणनीति नहीं चली और अब जदयू ने अकेले ही मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ही पार्टी ने बीते दिन 26 सीटों की सूची जारी कर दी, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। जदयू ने कहा है कि पार्टी कम से कम 51 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शुरू में गठबंधन के लिए भाजपा के राजी होने की बात कही थी और यदि जदयू ने इसके बाद इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं किया होता तो वो उत्तर प्रदेश में अधिक ताकत के साथ ही अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता। सहने के बाद पारस ने भी मांगा अपना हिस्सा। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हो रही है। इसी बीच भाजपा की तरफ से चुनाव में उतरने वाली सीटों के ऐलान के बाद अब सहनी ने हाल ही में सीट की मांग की थी और अब पारस ने भी हिस्से की मांग की है, जिसके तहत ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। सीटों को लेकर हमने अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के समक्ष रख दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विधान परिषद के चुनाव में सीटों के बंटवारे में रालोजपा को भी वाजिब हिस्सा मिलेगा। तेजस्वी यादव को बताया अनाड़ी। राजद की तरफ से बीते कई दिनों से बिहार में खेला होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ही अब बीते दिन राजद की तरफ से फैलाई जा रही बातों पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया है, जिसके तहत पहले तो उन्होंने तेजस्वी यादव को अनाड़ी बताया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि राजद के परिवार और भाइयों में ही खेला होता रहता है, इसलिए वो उसी को समझते हैं। हम लोगों को तो बिहार की जनता ने 5 साल का जनमत दिया है और तेजस्वी यादव को तो खेल भी खेलने नहीं आता, वो तो रणजी में ही लटक कर रह गए। खेल खेलते तो खिलाड़ी बनते, लेकिन वो तो अनाड़ी है।
पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर बीते दिन जा प्रमुख पप्पू यादव ने निशाना साधा है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि राज्य में हत्याओं का दौर जारी है। लूट डकैती जैसे कई अपराध लगातार हो रहे हैं। हर रोज अवैध शराब से लोगों की जान जा रही है। छपरा में दर्जनों लोगों की जान गई है। सरकार और उसका सिस्टम शराब से जान गंवाने वालों के मामले में लीपापोती करने में लगा रहता है। शराब के धंधे में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जदयू ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टी कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकती है। रोहित और कोहली ने रन नहीं बनाए तो T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत करेगा संघर्ष। इस साल के T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इसकी शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा कि अगर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ज्यादा रन नहीं बनाते तो भारत 2022 T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दबाव का सामना करते हुए संघर्ष कर सकता है। हफीज का मानना है कि भारत वर्तमान में इस जोड़ी पर काफी निर्भर है। हालांकि उनके पास अन्य पदों पर अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ मैच के दबाव से पटने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में 1920 में एयरमेल और वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। भगवान गौतम बुद्ध के नगर कपिल वस्तु को 1976 में खुदाई में खोजा गया। जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ। मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर 2004 में पूर्णतया प्रतिबंध लागू हुआ। फिल्मी और टेलीविजन कार्यक्रम में धूम्रपान दृश्य पर लगा प्रतिबंध 2009 में समाप्त हो गया। 23 जनवरी 1897 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ। 1664 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी साहूजी महाराज का निधन हुआ। 1975 को भारतीय समाज सेवक अमीय कुमार दास का भी निधन हुआ था। आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी अब आसानी से ले सकेंगे आप। क्या आप अपने जीमेल अकाउंट को लेकर कभी परेशान हुए हैं? तो हो सकता है कि किसी दूसरे यूजर के पास भी आपके जीमेल का एक्सेस हो और वो आपके अकाउंट से जुड़ी बात बहुत से डिटेल्स को चुरा रहा हो। हालांकि आपको चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। गूगल पासवर्ड चेकअप ऐड ऑन फीचर की मदद से आप अपने जीमेल अकाउंट को चेक कर सकते हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पर यह फीचर साल 2019 में ही जारी किया गया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,780 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुमार, अरविंद कुमार, बबीता यादव, गौतम कुमार, महासेठ माइकल, रोशन कुमार, रघुनाथ कुमार, राजकुमार, नीशु कुमारी, पिंटू कुमार यादव, अतीक खान, कुमार सोनू, शिवेश सिंह, डेविड कुमार, राकेश सिंह, सत्यम राजपूत, दीपक राजपति, जीतन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम में बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।